ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, आज आप सबके साथ मैं सुमन आंटी दो तीन छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से सत्संग शेयर कर रही हूँ, और साथ ही शेयर कर रही हूँ गुरु जी के बहुत प्यारे से ब्लेसिंग मैसेज है सारी संगत के लिए गुरु जी का। तो आप सब ध्यान से सुनेगा, और एक छोटा सा सत्संग अपना भी शेयर कर रही हूँ साथ में ही। और इससे पहले आप भूल जाएं लाइक करना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण की चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत के पास गुरु जी की ब्लेसिंग पहुँचे। क्योंकि सत्संग को शेयर करने से और सुनाने से, दोनों ही, सुनाने वाले का भी और शेयर करने वाले का भी गुरु जी करते हैं कल्याण। तो हमें गुरु जी की ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, तो इसलिए सत्संग शेयर करना मत भूलिएगा। और संगत जी, अभी मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा सत्संग भी शेयर कर रही हूँ कल का ही। तो हुआ क्या कि मैं नेटफ्लिक्स पे महाभारत देख रही थी, पुरानी महाभारत, मतलब थोड़ी पुरानी, नई वाली। तो उसमें एक बहुत प्यारा सा सीन आया कि अर्जुन ब्राह्मण के वेश में था और उसने जीतना था द्रौपदी को, स्वयंवर रचा जा रहा था। तो उससे आधे घंटे पहले मैंने अपनी बेटी से कहा था, आजा तू भी देख ले, बहुत अच्छा सा सीन आने वाला है। लेकिन वो कह के चली गई कि नहीं, मुझे तो पढ़ना है। तो मैं चाह रही थी कि वो देखे थोड़ा महाभारत को मेरे साथ, मुझे कंपनी दे, लेकिन वो कह के चली गई कि मुझे तो पढ़ना है। और वो सीन इतना अच्छा था कि मैं चाह रही थी कि वो देखे। तो हालांकि नेटफ्लिक्स पे था, आगे पीछे भी देख सकते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाता सीन, फिर वो जो है देखती नहीं है, छूटता है तो छूटता ही चला जाता है। खैर, उस सीन के लिए मेरे मन में अभिलाषा जागी कि वो भी देखे। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ऊपर पढ़ रही थी गुरुजी, कितना अच्छा हो जो ये नीचे आ जाए और मेरे साथ इस सीन को देखे। आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरी वो प्रार्थना स्वीकार सी कर ली कि आधे घंटे बाद वो खुद ही बिना बुलाए ही आ गई, और उस सीन को पूरा का पूरा उसने कम से कम 15-20 मिनट तक मेरे साथ देखा। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि सच्ची गुरुजी आप कितनी जल्दी सुन लेते हैं। हालांकि बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन जब वो छोटी सी बात भी आपकी पूरी हो जाती है तो सोचो कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है। और शुक्राना है अनंतम अनंतम गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया। क्योंकि आपको क्या बताऊँ संगत जी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे तो टाइफाइड हो गया था, और कम से कम 1.5 महीने तक मेरा पूरा परहेज चला है कि मैं कुछ खा नहीं पा रही थी। जैसे खाओ तो मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मेरी आंतों में सूजन आ गई थी। तो सबसे बड़ा सत्संग तो मेरा यही है, और सबसे बड़ा शुक्राना भी यही है कि गुरुजी ने मुझे हेल्पलेस की है। और गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना मैं सारी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना है कि आपने मुझे पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया। हाँ, थोड़ी वीकनेस है, लेकिन वो तो समय के साथ जाएगी, क्योंकि इतने दिन तक जब आप खाना नहीं खाते हो तो शरीर में वीकनेस आना तो स्वाभाविक है। लेकिन गुरुजी ने इतनी कृपा की है कि मुझे जो है बस बहुत 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 ज़्यादा दवाइयाँ तो नहीं खानी पड़ी, थोड़ी ही दवाइयाँ खानी पड़ी, और वो दवाई भी मैं गुरुजी की ब्लेसिंग करवा करवा के ही खाती रही। मैं जो भी कुछ खाती थी गुरुजी का नाम लेके ही खाती थी, जल प्रसाद लेती रही, और गुरुजी ने मुझे पूरी तरह से हेल्थ ब्लेस की। लास्ट बार जब मैं गुरुजी के एक सत्संग में गई थी तो वहाँ मैंने खाना, लंगर प्रसाद खाया, 2 दिन लगातार मैंने लंगर प्रसाद खाया, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1 दिन पहले मैं एक सत्संग में गई, वहाँ खाया, तो वहाँ तो ऐसा था कि उस संगत में, सत्संग में ऐसा था कि शायद गुरुजी ने जो है मेरे लिए ही वो खाना स्पेशल बनाया हो, क्योंकि मैं खाना खा ही नहीं रही थी। और मैंने अपने दिल में ये सोच रखा था कि जब नवरात्रे आएंगे और नवरात्रे पे जो माता का जो प्रसाद बनता है चने का, हलवा पूरी का, मैं वो ही खाऊँगी, उस तब मैं स्टार्ट करूँगी अन्न। तो मैंने ऐसा सोच रखा था, क्योंकि मैं इतने दिन से नहीं खा रही थी खाना, 1.5 महीना हो चुका था। लेकिन गुरुजी ने 1 हफ्ता पहले ही मुझे एक सत्संग में बुलाया, पहले नवरात्रे को भी बुलाया और दूसरे नवरात्रे को भी बुलाया। तो मैं चली गई,
और जब मैं पहले वाले सत्संग में गई तो वहाँ तो इतना सादा खाना था कि उसमें बिल्कुल भी मिर्चें थी ही नहीं। तो नेक्स्ट सत्संग में जब गई अगले दिन ही मैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा खाना स्पाइसी था। और जब मैंने बताया वहाँ पे, मैंने अपना सत्संग शेयर किया कि गुरुजी ने तो इस तरह से मेरे को वहाँ पे लंगर प्रसाद चखाया कि उसमें तो बिल्कुल भी मिर्चें थी नहीं, मसाले बहुत कम थे और बहुत फीका फीका सा था, थोड़ा जितना होना चाहिए उससे कम था। तो मैंने कहा मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा जैसे गुरुजी ने मेरे लिए ही वो लंगर प्रसाद बनवाया हो। तो खैर, तो वहाँ पे जो संगत जी थे वो कहने लगे पर गुरुजी तो मिर्चों से ही ब्लेस करते हैं, जिसकी तबीयत ख़राब होती है मिर्चों से ही ठीक करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। और वहाँ पे जो मैंने खाना खाया, समोसा वगैरह भी खा लिया कितने लंबे समय बाद समोसा खाया मैंने, तो कि थोड़ा मसाले तो थे ही उसमें, सब कुछ मैंने खा तो लिया। लेकिन वहाँ से आने के बाद मुझे बहुत सारी उल्टी हुई, आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरी 7 उल्टी हुई मुझे। लेकिन उन उल्टियों के करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से पता नहीं क्या चीज़ निकल गई। और निकलने के बाद से मैंने अपनी हेल्थ में लगातार थोड़ा 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 इम्प्रूवमेंट देखा, क्योंकि सच्ची कह रही हूँ कि मेरे से खाया ही नहीं जा रहा था। जैसे थोड़ा सा भी खा रही थी, इवन मैं पानी भी पी रही थी ना, क्योंकि मैं लिक्विड डाइट ले रही थी, तो भी मेरे पेट में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने, अगर मैंने 1 गिलास छोटा सा पानी पिया तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने 10 गिलास पानी पी लिया। अगर मैंने बहुत थोड़ा सा भी कुछ हल्की सी पतली से पतली खिचड़ी या दलिया भी कुछ खा लिया ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पता नहीं कितना कुकर भर के ही खाना खा लिया। मतलब मेरे पेट में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कुछ भी डाइजेस्ट करने की, सब कुछ मुझे जो है बहुत हैवी 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 लग रहा था, चाहे मैं कितना भी लाइट से लाइट खा रही थी। तो सबसे बड़ा तो मेरा यही शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस किया, क्योंकि जिसके शरीर में कोई तकलीफ आ जाती है तभी उसे इम्पोर्टेंस पता चलती है कि हेल्थ ब्लेस होना कितनी बड़ी बात है। तो शुक्राना है गुरुजी आपका, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने मुझे पूरी तरह से स्वस्थ किया। जय गुरुजी। और अब संगत जी, मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ आज आंटी जी का एक सत्संग जो हिमाचल से आया है। सबसे पहले मैं हिमाचल का सत्संग शेयर कर रही हूँ और आप सभी ध्यान से सुनिएगा। ये शुरू कर देते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी, मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मेरा आज गुरु जी की ब्लेस्ड दवाई जो है शोधी हरे, उसके उसके लिए है। इसके लिए मैं गुरु जी को पहले बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बोलना चाहती हूँ संगत जी, कि इस दवाई ने मुझे एक तरह का जीवन दान ही दिया है। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले साल में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कोई हेल्थ इशू प्रॉब्लम कुछ और थी, और उससे मैं डिप्रेशन में चली गई थी, कुछ लास्ट ईयर की बात है। और तब मेरी लाइफ में गुरु जी आए और अनंतम शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। और तब से मुझे गुरु जी ने एक्चुअली मेरा हाथ थाम के मुझे उस डिप्रेशन के दौर से निकाला। और संगत जी, उस समय मुझे पता चला यूट्यूब के थ्रू ही कि गुरु जी की एक ब्लेस्ड जो मेडिसिन है शोधी हरे, तो मैंने उसको ऑर्डर किया और मुझे मिला वो मुझे मिली दवाई। और मैंने उसको एक्चुअली, मुझे ये प्रॉब्लम डिप्रेशन की वजह से मुझे एंजाइटी और मेरी नींद उड़ गई थी संगत जी। मैं क्या बताऊँ, मेरा वो बहुत ही मतलब बुरा पीरियड था, जो मैंने बस गुरु जी ने निकाला मुझे उसके उससे बाहर। मैं पिछले मतलब 2-3 महीनों से मैं सो नहीं पा रही थी संगत जी, पता नहीं क्यों। रात मुझे घबराहट एंजाइटी होती थी और मैं मतलब कई रात, तो मुझे याद है कि कई रात रात भर मैं जगी रहती थी, मुझे सुबह जाकर नींद आती थी। बच्ची, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मेरी हेल्थ, उसके उस हेल्थ इशू के अलावा मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम उसमें एड ऑन हो गई, जैसे कि वीकनेस और बहुत सारी चीज़ें। फिर मैं ऐसे मतलब बहुत ही मतलब बुरा टाइम था वो, मैं याद करके भी मुझे ऐसे ऐसा लगता है कि शुक्राना गुरु जी का, कि मुझे वहाँ से गुरु जी ने निकाल लिया।
संगत जी आप मानिएंगे, जब मैंने ये मेडिसिन लेना स्टार्ट किया तो मेरी ये धीरे धीरे प्रॉब्लम ख़त्म होने लगी, और मुझे सबसे पहले तो मुझे नींद आने लगी। मुझे तो मेरे लिए तो ये मेडिसिन एक चमत्कार के लिए चमत्कार की तरह ही साबित हुई। संगत जी मैं यही बोलना चाहती हूँ, मैंने जैसे ही मेडिसिन लेना स्टार्ट किया गुरु जी का, और तब से मैं ऐसी चैन की नींद सोने लगी गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऐसे संगत सत्संग बहुत सारी हैं संगत जी मेरे पास, बट आज पता नहीं क्यों गुरु जी आज्ञा दे रहे हैं या मन में ये डाल रहे हैं कि आज मैं ये सत्संग आपके साथ शेयर करूं। तो संगत जी आप ये मेडिसिन, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ ना कुछ तो आपके ऊपर ये असर तो ज़रूर करेगी, आप इसको ले सकते हैं संगत जी, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्या पता ये आपके लिए कुछ अच्छी साबित हो, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ तो आपके हेल्थ इशू या कुछ ना आपको फ़ायदा ही होगा इससे। तो संगत जी मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, जितना भी गुरु जी का शुक्राना करें उतना कम है। इतने प्यारे हमारे गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और मैं बस सत्संग यहीं समाप्त कर रही हूँ अपना, और गुरु जी की आज्ञा हुई तो अगला सत्संग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और संगत जी मेरे से बोलने में अगर कुछ बोल चुकी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना सभी संगत का भी कि उन्होंने ये मेरा सत्संग सुना, और सत्संग और अंकल का भी शुक्राना कि उन्होंने ये सत्संग मेरा शेयर करेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। लेकिन यहाँ अंकल जी आंटी सत्संग शेयर कर रही हैं, और मेरा नाम सुमन है, सुमन आंटी सत्संग शेयर कर रही हैं। आंटी ने पहले भी मुझे एक बार अंकल कह के संबोधित किया है, जब पहले सत्संग शेयर किया था मैं उनको कहना भूल गई, लेकिन आज मैं सारी संगत से एक बार फिर से कह देती हूँ कि यहाँ मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सुमन आंटी आप सबके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ये नेक्स्ट सत्संग जो मैं शेयर करने जा रही हूँ ये है आसाम से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ ब्लैक मैजिक के ऊपर में। मेरे ऊपर में ब्लैक मैजिक इतना नहा भी था कि मेरा उठना बैठना खाना जीना सब कुछ मतलब जैसे हराम हो गया था। संगत जी गुरुपा ने मुझे बार बार खाली ब्लैक मैजिक का मैसेज दे रहे थे। इतना नेगेटिविटी था कि मैं कुछ करने का इच्छा ही नहीं कर रहा था, ना खाना बनाने को ना नहाने को ना खाने को, कुछ करने का इच्छा नहीं कर रहा था। सब समय नेगेटिविटी खराब बातें दिमाग में आ रहा था, ये करूँ यहाँ जाऊँ वो कर लूँ ये कर लूँ, मतलब चंचलता एक ठो रहता है ना वैसा बना रहता था। संगत जी ऐसे ही करते करते बहुत समय बीत गया, फिर गुरुपा का मैसेज आने लगा। मैं अपना एक सत्संग शेयर की थी मेरे ससुर के बछड़िया श्राद्धों का, उस दिन मेरे घर में पूजा हुआ था, उस दिन से मेरा ब्लैक मैजिक कुछ कम हुआ है।
गुरु पाने तो मतलब इतना घर की साफ सफाई कराया, इतना साफ सफाई कराया, इतना साफ सफाई कराया, घर में कुछ नहीं रहने दिया, सब कुछ साफ कर दिया, ये वो यहाँ है, वो वहाँ है, यहाँ तबीज है, यहाँ काला धागा है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, कर करके कर करके एक एक सामान बताते गए, मैं बाहर करते गई करते गई, घर से इतना सामान बाहर हुआ, इतना सामान बाहर हुआ संगत जी, मतलब इतना कचरा पड़ा हुआ पड़ा था इतना दिन से, मतलब मैं तो खुद सोचती हूँ कि इतना कचरा रहने के बाद में मैं सांस कैसे ले पाती, वो सब मेरे ही वजह से था। फिर बाद में मैं उस सबको बाहर करते गई करते गई करते गई, फिर बाद में तो मेरा नवरात्रि का उपवास था संगत जी, मैंने गुरु पा का फिर मैसेज आया कि नहीं अभी भी बाकी है, ये बाहर कर दो वो बाहर कर दो, मैंने बोला गुरु पा मैं थक गई हूँ, गुरु पा आप प्लीज़ जो जहाँ चीज़ है उसको क्लियर मुझे दिखाइए, नहीं तो वहीं पर भस्म कर दीजिए, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है गुरु पा, प्लीज़ गुरु पा मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ आप वहीं पर उसको ये कर दीजिए। और संगत जी मैं अपना फास्ट रखना शुरू कर दिया, किंतु संगत जी फास्ट भी रखती थी, इधर सफाई भी रखती थी, इधर खाना पीना भी बना रही थी, गुरुपा ने एक मतलब थोड़ा सा भी मुझे नहीं होने दिया, नेगेटिविटी के चलते या चाहे कुछ के चलते, मतलब पूरा एनर्जी पूरा दिन, आज नवमी का दिन है, नवमी का मैं अपना यह सत्संग शेयर कर रही हूँ, 9 दिन में मैं पूरा एकदम फुल एनर्जी में थी, कोई किसी प्रकार का मुझे तकलीफ नहीं था, गुरुपा ने मुझे ऐसा एनर्जी दिया, ऐसा एनर्जी दिया, ऐसा तकलीफ से मुक्त किया कि मैं थोड़ा सा भी उपास रख के भी, इतना सारा काम करके भी मैं थोड़ा सा भी थकान महसूस नहीं कर पाई गुरुपा के चलते। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू, शुक्रिया गुरुपा, शुक्रिया, आप जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी लीला अपार है, आपकी लीला समझना भी मुश्किल है गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू, बाद बाकी आप जैसे पार लगा रहे हैं वैसे ही आपकी दी हुई जिंदगी है, आप चला रहे हैं, आप ही चलाइए, थैंक यू बाबा, थैंक यू, आई लव यू बाबा, आई लव यू। जय गुरु जी। और अब ये दिल्ली से सत्संग है संगत जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी आज सारी संगत में अपना दूसरा संगत सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, मैं सारी संगत से अरदास करती हूँ कि जो मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे लिए गुरुजी से अरदास कीजिए, और मेरी बेटी का ऑपरेशन है उसको ब्लेस कर दीजिए गुरुजी से, आप सब अरदास लगाइए, मुझे एक बेटा ब्लेस कर दीजिए गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लट लख शुक्राना मेरे गुरुजी, ओम नमः शिवाय सच्ची सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सारे संगत मेरे लिए अरदास कीजिए, मेरी बेटी के लिए अरदास कीजिए, उसका ऑपरेशन ठीक से हो जाए और मुझे गुरु जी बेटा ब्लेस कर दे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। अब ये गुरु जी की एक ब्लेसिंग है, जो संदेश है एक्चुअली सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ सारी संगत के साथ। गुरु जी कहते हैं, मन नू उदास ना किता कर, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो तेरी भलाई वास्ते ही होता है सब कुछ, है ना, मुझे पता है जो चीज़ तेरे लिए अच्छी हैगी वही चीज़ तेरे पास आनी है, उसनू अपने लिए मेरी नज़रों में सबसे बढ़िया तोहफा समझ। तो गुरु जी क्या कहना चाहते हैं ये तो हम नहीं समझ पाते, लेकिन मैसेज के थ्रू गुरुजी अपनी बात हमारे सामने रख देते हैं, अब ये संकेत होते हैं और उन संकेतों से ही हमें गुरुजी की ब्लेसिंग प्राप्त होती है, जो भी हम चीज़ सोच रहे होते हैं उसी तरह के संकेत हमें प्राप्त हो रहे होते हैं, है ना। तो गुरुजी कहते हैं,
मैं देख रहा है, तैनू की पता वो तेरे लिए कैसी है। जद मेरे उपर भरोसा किता है ते मेरी रजा विच रहना सीख ले, सब चंगा ही होना हैगा। मन छोटा ना करिया कर, मैनू सब पता है, मंत्र जाप किता कर, नाल हर वेले शुक्र करिया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये एक सांकेतिक भाषा होती है जो हमें मोटिवेट करती है कि हमारे पास जो भी कुछ गुरु जी ने दिया है, जो भी कुछ हमें ब्लेस किया है, वो बहुत अच्छा ब्लेस किया है और हमें धैर्य बनाए रखना है। गुरु जी के रजा में ही हमें अपनी रजा समझनी है ना, कि गुरु जी जैसी आपकी इच्छा है, जो भी आपने हमें ब्लेस किया है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं गुरु जी, आपने हमारी बाँह पकड़ रखी है और अब आप जैसे हमें रख रहे हैं, हम खुशी खुशी वैसे ही रह रहे हैं। क्योंकि अगर गुरु जी कह रहे हैं हर वेले शुक्राना करो, तो यानी कि गुरु जी ने हमें जैसे भी रखना है, गुरु जी वैसे ही रखेंगे। तो मैं अब गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ, आज के सत्संग गुरु जी ज़्यादा से ज़्यादा संगत के पास पहुँचे गुरु जी के, इसलिए संगत जी आप शेयर कीजिएगा, है ना, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा संगत के पास पहुँचनी चाहिए। और ये आज के बहुत ही प्यारे प्यारे हेल्थ वाले जो सत्संग रहे हैं, गुरु जी आप ज़रूर ही किसी को, आप लोगों के माध्यम से जितना सत्संग शेयर होगा, किसी ना किसी को हेल्थ ज़रूर ब्लेस करने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।